अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस दुनिया पे जानवरों का वजूद इंसानों से भी पहले का है। आपने जिंदगी में बहुत से अजीबोगरीब और खूबसूरत जानवर देखे होंगे, मगर आज हम आपको दुनिया के बिगेस्ट एनिमल्स से मिलवाएंगे जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, फिल्मों में तो आपने अक्सर ही बड़े बड़े जानवरों को देखा होगा, मगर आज हम हकीकत में आपकी मुलाकात ऐसे जानवरों से कराने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली मालूमती वीडियो आप तक पहुँच सके। बेल्जियन ब्लू। दोस्तों, आपने कई बार बहुत सारे मस्कुलर बैल और भैंस तो देखे ही होंगे जो वजन में कहीं ज्यादा होते हैं और देखने में भी काफी खौफनाक लगते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसी गाय देखी है? दोस्तों, बेल्जियन ब्लू गाय की एक ऐसी नस्ल है जो काफी ज्यादा मस्कुलर होती है। इसकी पीठ पीछे सपाट, पैर बहुत मजबूत और जल्द खुरदरी होती है। अक्सर इंसान अपने भैंस या सांड में मसल्स बनाने के लिए स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगवाते हैं, लेकिन बेल्जियन ब्लू में कुदरती तौर पे जेनेटिक न्यूट्रिशंस की वजह से मसल्स अपने आप ही बन जाते हैं। इनका वजन 1000 किलोग्राम तक भी हो सकता है और इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। दोस्तों, अगर आम गाय में बेल्जियन ब्लू को खड़ा कर दिया जाए तो हर इंसान बता सकता है कि ये कोई आम गाय तो बिल्कुल भी नहीं। वोम्बैट। दोस्तों, इस जानवर के बारे में शायद आप लोग ज्यादा नहीं जानते होंगे। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ये जानवर 3 फीट लंबे होते हैं, जिसकी पूंछ छोटी होती है और इसका वजन 20 से 25 किलोग्राम होता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा वोम्बैट भी है जो काफी ज्यादा बड़ा है, तकरीबन किसी इंसान की जितना बड़ा, और इसका नाम पैट्रिक है। वाइल्ड लाइफ पार्क विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में इस दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वोम्बैट पाया जाता है। इसका वजन तकरीबन 40 किलोग्राम तक है और एक वोम्बैट 10 से 15 साल से ज्यादा की जिंदगी नहीं जीता, लेकिन पैट्रिक ने 30 साल की उम्र को पार कर लिया है। एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल। दोस्तों, अगर आपने दुनिया की खूबसूरती देखनी है तो पानी में बहते हुए कछुए को देख लें। इस कछुए को देखकर अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि ये काफी मासूम होते हैं तो ये आपकी गलत फहमी होती है, क्योंकि ये जितने प्यारे होते हैं उतने ही खतरनाक भी होते हैं। एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल पपीते के पानी में पाया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कछुआ है। इसकी ताकत काफी ज्यादा होती है। ये बहुत ही अच्छा होगा कि अगर आप गलती से भी इसके मुंह में उंगली ना दें, वरना वो उंगली आपको कतई वापस नहीं मिलेगी। और इसका वजन इतना ज्यादा होता है कि इंसानों से उठाना मुश्किल होता है। इसके पांव किसी इंसान के पांव जितने बड़े होते हैं और बहुत ही अच्छा होगा कि आप इससे दूर ही रहें और इसी में आफियत है। मंतारे। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मछली के साथ तैरना हर किसी डाइवर की दिली ख्वाहिश होती है। दोस्तों, इन डाइवर्स की ये ख्वाहिश मंतारे मछली के साथ तैरकर पूरी हो सकती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। इसकी लंबाई 8 मीटर है और इसका वजन 1400 किलोग्राम है। इसके साथ साथ तैरने से ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी बड़ी छत के नीचे तैर रहे हैं। आम मछलियों के मुकाबले में मंतारे का दिमाग इसकी वजन से ज्यादा होता है और इसीलिए ये मछलियाँ होशियार होती हैं। दोस्तों, इससे घबराने की जरूरत नहीं होती। ये मछली इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती और इनकी ज्यादा तादाद देखने के लिए आपको क्वींसलैंड जाना होगा। क्लाइडस्टल हॉर्स। दोस्तों, घोड़े की यह नस्ल दुनिया के सबसे बड़े जानवरों में गिनी जाती है। इसकी लंबाई 6 फीट और इसका वजन 1 टन होता है। और दोस्तों, ये वजन बहुत ही ज्यादा होता है। इस घोड़े के सामने इंसान काफी छोटा नजर आता है। ये घोड़ा बहुत मजबूत और ताकतवर भी होता है और इसीलिए इसका इस्तेमाल खेती के लिए भी किया जा सकता है। इस घोड़े के पैरों पर मौजूद लंबे बालों की वजह से आसानी से इनकी नस्ल को पहचाना जा सकता है। इस घोड़े के वजन की वजह से ऐसे जंगलों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस घोड़े के काम करने की सलाहियत बहुत ही कमाल की होती है। अगर आप इस घोड़े को खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं तो आपको ये घोड़ा 75,000 से लेकर 7 लाख तक में मिलेगा। लेकिन आपको ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि इस घोड़े का खाना एक आम घोड़े से दुगना होता है और इसीलिए काफी लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। हल्क। दोस्तों, हल्क का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहली तस्वीर एवेंजर्स मूवी के हल्क की आती होगी, जो कि एक ग्रीन मॉन्स्टर होता है। लेकिन दोस्तों, जिस हल्क की हम बात कर रहे हैं वो एवेंजर फिल्म का हल्क नहीं, बल्कि एक खूंखार और बड़े डॉग का नाम है। इस डॉग को हल्क का नाम इसे इसकी बॉडी की वजह से मिला है, जो कि वाकई में एक हल्क ही लगता है। 2015 में 18 महीनों का ये हल्क इंटरनेट सेंसेशन बन के रह गया, क्योंकि इसकी बॉडी देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। इसका वजन 80 किलो है, जबकि नॉर्मल डॉग का वजन 14 से 18 किलो तक होता है। यानी ये डॉग एक नॉर्मल डॉग से 4 गुना ज्यादा वजनी है। दोस्तों, इसकी अजमत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हल्क का एक वेरीफाइड इंस्टा अकाउंट भी है, जिस पर तकरीबन 8 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो कि सेलिब्रिटी से कम नहीं। और हल्क का मौजूदा वजन 80 से बढ़कर 83 किलो हो चुका है और इसके अलावा हल्क कई बच्चों का बाप भी है। डॉन एलिगेटर। दोस्तों, अपने सामने किसी एलिगेटर को देखकर हर किसी के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खौफनाक और जानलेवा होते हैं। लेकिन डॉन नामी ये मगरमच्छ 6 मीटर यानी 21 फीट लंबा है और इसका वजन बहुत ही ज्यादा है। इसके दांत नोकीले और तेज हैं। अफ्रीका की लोंगवा नदी में रहता है। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक नॉर्मल मगरमच्छ 4 से 5 मीटर लंबे होते हैं, लेकिन ये डॉन लंबाई में 6 मीटर से भी लंबा है और इसे पकड़ने के लिए 2 दिन लग गए थे। और अब इसे एनिमल पार्क में रखा गया है, जहां इसे मुकम्मल सहूलियात भी दी गई हैं। जापानी स्पाइडर क्रैब। दोस्तों, अक्सर आपने अपने घरों में मकड़ी
तो देखी ही होगी। मगर चलिए इस जैपनीज स्पाइडर क्रैब से, जो कि आपको सिर्फ जापान में ही देखने को मिलेगी। इसका साइज तकरीबन 18 फीट लंबा है और इनका वजन 1900 किलोग्राम तक चला जाता है और यही वजह है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी है। मगर जापान में इसे टाका आशी गानी के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है लंबी टांगों वाली मकड़ी। दोस्तों ऐसी मकड़ियां समंदर में 150 से 300 मीटर की गहराई में रहती हैं। बिगेस्ट रैबिट। दोस्तों अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े खरगोश की, जो कि इंग्लैंड में रहता है और इसकी लंबाई 4 फीट 4 इंच और वजन तकरीबन 23 किलोग्राम है। भूरे रंग के इस खरगोश का नाम अपने बड़े कद की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। मगर इसके बाद बड़े खरगोश का खिताब ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि इसका बड़ा बेटा जैफ 3 फीट लंबा हो चुका है, जो कि अभी सिर्फ 6 माह का है। ग्रीन एनाकोंडा। दोस्तों आपने बहुत सारे बड़े बड़े सांपों के बारे में तो सुना ही होगा, मगर आज हम मिलवाते हैं आपको ग्रीन एनाकोंडा से, जो कि अभी तक दुनिया का सबसे लंबा सांप है। ये 25 फीट लंबा और 450 पाउंड वजनी था, यानी अगर आप इसे सीधा कर दें तो ये 3 मंजिला बिल्डिंग से भी बड़ा है। इसे अमेरिका के एक जंगल से पकड़ा गया था, लेकिन अब ये इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि कुछ साल पहले इसकी मौत वाकई हो चुकी है। लेकिन इसका ढांचा जापान के शहर टोक्यो के एक म्यूजियम में अभी तक रखा हुआ है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगे कीजिए।